हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट का टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज एंड एब्रीविएशन यूज इन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हम देखते हैं कि जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है उनमें जो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है तो वो किस ऑर्डर में प्रिस्क्राइब करता है और क्या लिखता है, और वो टर्मिनोलॉजी क्या होती है, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले स्टेट ऑर्डर। स्टेट ऑर्डर का क्या मतलब होता है? रेफर्स टू एनी मेडिकेशन दैट इज नीडेड इमीडिएटली एंड इज टू बी गिवन ओनली वंस। तो स्टेट का मतलब क्या होता है? ऐसी मेडिसिन जो कि जिसकी ज़रूरत इमीडिएटली है और वो एक ही बार देनी होती है, इमीडिएटली देनी होती है। ऑफन एसोसिएटेड विद इमरजेंसी मेडिकेशन दैट आर नीडेड फॉर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। ठीक है, तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में ऐसी मेडिकेशन देनी होती है। और कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेम स्टेटिंग। ये जो स्टेट वर्ड है, ये लैटिन वर्ड स्टेटिंग से आया है जिसका मतलब है इमीडिएटली। शुड बी एडमिनिस्टर्ड विद इन 5 मिनट और लेस ऑफ रिसीविंग द रिटन ऑर्डर। ठीक है, जो ऑर्डर जब दिया जाता है, ठीक है, ऑर्डर देने के 5 मिनट के अंदर अंदर इस मेडिसिन को एडमिनिस्टर करना होता है। ठीक है, उसके बाद में ए सेप ऑर्डर का क्या मतलब है? अर्जेंट तो होती है लेकिन उतनी अर्जेंट नहीं होती जितनी ये स्टेट ऑर्डर में अर्जेंट होती है। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल इसको दिया जाता है। शुड बी अवेलेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट विद 30 मिनट ऑफ द रिटर्न ऑर्डर। ठीक है, रिटर्न ऑर्डर के 30 मिनट के अंदर अंदर इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है सिंगल ऑर्डर। सिंगल ऑर्डर का क्या मतलब होता है? फॉर ए ड्रग दैट इज़ टू बी गिवन ओनली वंस। ठीक है, ये ओनली सिंगल बार दिया जाता है, एक बार ही दिया जाता है और एट ए स्पेसिफिक टाइम सच ए प्री ऑपरेटिव ऑर्डर। ठीक है, किसी स्पेसिफिक टाइम पे सिर्फ एक ही बार दिया जाता है, जैसे कि जो प्री ऑपरेटिव ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में PRN ऑर्डर। PRN का क्या मतलब होता है? ये भी लेटिन वर्ड प्रो री नाटा से आया। ठीक है, जिसका क्या मतलब है? एडमिनिस्टर है रिक्वायर्ड बाय द पेशेंट। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से देखते हैं इसको कि कब रिक्वायरमेंट होती है, तो उस समय इसको दिया जाता है, जब रिक्वायरमेंट हो तब। द नर्स मेक द जजमेंट बेस्ड ऑन पेशेंट असेसमेंट एज टू व्हेन सच एज मेडिकेशन इज टू बी एडमिनिस्टर। उसके बाद में रूटीन ऑर्डर। रूटीन ऑर्डर्स में क्या मतलब है? ऑर्डर नोट रिटन एज ए स्टेट एज ए नाउ और PRN। ठीक है, तो इन ऑर्डर्स में नहीं लिखा जाता है मेडिसिन को। तो रूटीन ऑर्डर क्या मतलब है? दीज आर यूजुअली कैरिड आउट विद इन 2 आवर ऑफ द टाइम द ऑर्डर विल बी रिटन बाय फिजिशियन। ठीक है, फिजिशियन के रिटन लिखने ऑर्डर लिखने के बाद में 2 आवर्स में इस मेडिसिन को दे सकते हैं। उसके बाद में स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? रिटन इन एडवांस ऑफ सिचुएशन दैट इज़ टू बी कैरिड आउट अंडर स्पेसिफिक सरकमस्टांसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव PRN प्रिस्क्रिप्शन दैट आर रिटर्न टू ऑल पेशेंट हु हैव अंडरगोन ए स्पेसिफिक सर्जिकल प्रोसीजर, जैसे कि टाइनिलोन एलिक्सर 325 mg PO एवरी 6 आवरली एस PRN सोर थ्रोट। ठीक है, और स्टैंडिंग ऑर्डर आर नो लॉन्गर परमिटेड इन सम फैसिलिटी बिकॉज ऑफ लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ पुटिंग ऑल पेशेंट इन टू द सिंगल ट्रीटमेंट कैटेगरी। उसके बाद में कुछ और टर्मिनोलॉजी देखते हैं, जैसे कि AC। AC का क्या मतलब होता है? बिफोर मील। AM का क्या मतलब होता है? मॉर्निंग के टाइम पे मेडिसिन देना। BID का मतलब ट्वाइस पर डे, ठीक है, दिन में 2 बार। CAP का क्या मतलब होता है? कैप्सूल। GTT का क्या मतलब होता है? ड्रॉप्स। HR का मतलब हावर्स। IM का मतलब इंट्रामस्कुलर। IV का मतलब इंट्रावेनस। NO का मतलब नंबर्स। PC का मतलब आफ्टर मील, ठीक है, या फिर आफ्टर ईटिंग। PO का मतलब होता है बाय माउथ। PM का मतलब होता है आफ्टरनून। PRN का मतलब होता है वेन नीडेड या फिर नेसेसरी। QID का मतलब होता है 4 times per day। उसके बाद में Q2H, Q4H, Q6H, Q8H, Q12H का क्या मतलब होता है? एवरी आवरली। RX का मतलब होता है टू टेक। स्टेट का मतलब होता है इमीडिएटली एट वंस। TID का क्या मतलब होता है? 3 times per day।
एडी लिब का क्या मतलब होता है, एज डिजायर एज डायरेक्टर। टैब का क्या मतलब होता है, टैबलेट। उसके बाद में कुछ ड्रग फॉर्म्स हम देखते हैं कि जो ड्रग है वो किन किन फॉर्म्स में आती है। तो मेडिकेशन आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, बहुत सी फॉर्म्स से आती हैं मेडिकेशन। जैसे द फॉर्म ऑफ मेडिकेशन डिटरमाइन इट्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो जिस फॉर्म में मेडिकेशन आएगी तो वही फॉर्म डिटरमाइन करता है कि कौन से रूट से मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है। जैसे कि अगर टैबलेट फॉर्म में मेडिकेशन आ रही है तो हमको ओरल रूट से ही देनी है, इंजेक्शन फॉर्म में आ रही है तो पेरेंटल देनी होती है। ड्रग फॉर्म कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स की होती हैं ड्रग फॉर्म, जैसे कि सॉलिड जैसे कि टैबलेट और कैप्सूल, लिक्विड में सिरप या आई ड्रॉप्स, सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट या लोशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टैबलेट। इट इज़ द पाउडर मेडिकेशन कंप्रेस्ड इनटू हार्ड डिस्क और सिलेंडर। जो टैबलेट होती है वो एक पाउडर फॉर्म में होती है, पाउडर मेडिकेशन होती है जो कि कंप्रेस्ड होती है इनटू हार्ड डिस्क या फिर सिलेंडर शेप में ये बनी होती है। ठीक है, कैप्सूल जो होते हैं वो मेडिकेशन कवर्ड इन जिलेटिन शेल। तो कैप्सूल में क्या होता है, जो मेडिकेशन होती है वो जो आपने कैप्सूल देखा होगा जो बाहर का उसका कवर होता है वो जेलेटिन शेल का बना होता है। ठीक है, उसके अंदर मेडिकेशन होती है। उसके बाद में जेलेटिन या जेली, जेलेटिन या जेली का क्या मतलब है, एक क्लियर और ट्रांसल्यूशेंट सेमी सॉलिड दैट लिक्विफायर व्हेन अप्लाइड टू द स्किन। ठीक है, तो जेल या जेली का क्या मतलब है कि ये क्लियर या फिर ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, उसके बाद में है लोजेंजेस। लोजेंजेस के क्या मतलब होता है, ये फ्लैट राउंड और ओवल प्रिपरेशन होती है दैट डिजोल्व एंड रिलीज ए ड्रग व्हेन हेल्ड इन माउथ। ठीक है, जो कि माउथ में रखने से डिजोल्व होती है। ठीक है, उसके बाद में लोशन। लोशन ड्रग पार्टिकल्स इन ए लोशन इन सोल्यूशन फॉर टॉपिकल यूज। ठीक है, तो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, ड्रग होती है वो सोल्यूशन फॉर्म में होती है जो कि टॉपिकली यूज की जाती है, स्किन के ऊपर यूज की जाती है। उसके बाद में ऑइंटमेंट, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है ऑइंटमेंट। ठीक है, जो कि जिनके अंदर ड्रग होती है वो भी जो एक्सटर्नली अप्लाइड की जाती है। उसके बाद में पाउडर, सिंगल या मिक्सचर ऑफ फाइनली ग्राउंड ड्रग्स। ठीक है, पाउडर होता है या फिर सिंगल फॉर्म में आता है या फिर एक से दो से ज़्यादा मिक्सचर भी इसमें आता है। उसके बाद में सोल्यूशन, ए ड्रग डिजोल्व इन अनदर सब्सटेंस। सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, ये ड्रग जो कि डिजोल्व हो सकती है अदर सब्सटेंस में। उसके बाद में सस्पेंशन, फाइनली डिवाइडेड अनडिजोल्व पार्टिकल्स इन लिक्विड मीडियम शुड बी शेकन बिफोर यूज। ठीक है, उसके बाद में सिरप, मेडिकेशन कम्बाइंड इन ए वाटर एंड शुगर सोल्यूशन। उसके बाद में होता है सपोजिटरी, सपोजिटरी कैन ईजिली मेल्टेड मेडिकेशन प्रिपेयर इन द फर्म बेस सच एज जिलेटिन दैट इज इंसर्टेड इन टू बॉडी कैविटीज जैसे कि रेक्टल वेजाइना या फिर यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये जो सपोजिटरी होती है ये एक इजीली मेल्टेड मेडिकेशन होती है, मतलब इजीली मेल्ट हो जाती है ये। ठीक है, बॉडी कैविटीज में जाने के बाद में। ठीक है, और प्रिपेयर, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, फर्म बेस सच एज थिन जैसे जिलेटिन, जैसे कि जिलेटिन लाइक होता है फर्म बेस, उससे ये प्रिपेयर की जाती है जिनको कि बॉडी कैविटी में इंसर्ट किया जाता है, जैसे बॉडी कैविटी जैसे कि रेक्टम में, वेजाइना में या फिर यूरेथ्रा में। उसके बाद में ट्रांसडर्मल पैचेस, तो ये पैचेस आते हैं जैसे यूनिट डोज ऑफ मेडिकेशन अप्लाई डायरेक्टली टू स्किन फॉर डिफ्यूजन थ्रू स्किन एंड एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो ये जो ट्रांसडर्मल पैच है ये पैच लाइक आते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि ये यूनिट डोज इसमें होती है, यूनिट डोज की मेडिकेशन इसमें होती है जो कि डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई की जाती है। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं ये पैच है। ठीक है, इसको डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जो कि स्किन जिसके जो ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, ड्रग।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, ब्रॉडली क्लासिफाई कैसे किया जाता है ड्रग को। ए ड्रग मे बी क्लासिफाइड बाय द केमिकल टाइप ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट और बाय द वे इट इज यूज टू ट्रीट ए पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, जो ड्रग होती है वो जो उसके केमिकल टाइप पे उसको क्लासिफाई किया जाता है उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट के आधार पे, और कैसे वो ट्रीट करेगी, कैसे उस ड्रग का क्या एक्शन है, कैसे वो ट्रीटमेंट देगी, उसके आधार पे क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि एनाल्जेसिक्स जो होती हैं, एनाल्जेसिक ड्रग जो होती हैं वो किसके लिए होती है, पेन को रिड्यूस करने के लिए। एंटीपायरेटिक्स ड्रग होती हैं वो क्या करती हैं, फीवर को रिड्यूस करती हैं। एंटीबायोटिक्स जो ड्रग होती हैं वो क्या करती हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको ट्रीट करती है। एंटीवायरल जो कि वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। एंटी हाइपरटेंसिव जो होती है वो हाइपरटेंशन को ट्रीट करती है। ठीक है, एंटी डायबिटिक जो होती है टू ट्रीट डायबिटीज़, ये डायबिटीज़ को ट्रीट करती है। उसके बाद में टाइप्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एक्शन। मेडिकेशन एक्शन के क्या क्या टाइप हैं, सबसे पहले थेरेप्यूटिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, एलर्जिक रिएक्शन, आइसोसिंक्रेटिक रिएक्शन, ये सब क्या है, मेडिकेशन किस किस तरह से एक्शन कर सकती है उनके टाइप हैं। तो सबसे पहले थेरेप्यूटिक इफेक्ट, द थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज द एक्सपेक्टेड और प्रिडिक्टेड फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स दैट इट मेडिकेशन कॉज। ठीक है, तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है, जो कि मेडिकेशन की वजह से जो कि एक्सपेक्टेड जो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आना है, ठीक है, वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है। जैसे कि पैरासीटामोल का क्या होगा थेरेप्यूटिक इफेक्ट, कि वो पेन को रिड्यूस करेगी, फीवर को रिड्यूस करेगी और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगी। उसके बाद में साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, एवरी मेडिकेशन कोज सम हार्म टू पेशेंट। ठीक है, हर मेडिकेशन कुछ पेशेंट के लिए हार्म भी कर सकती है। जैसे कि साइड इफेक्ट, सबसे पहले साइड इफेक्ट देखते हैं। तो साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। सबसे पहले साइड इफेक्ट देखते हैं। साइड इफेक्ट आर प्रिडिक्टेबल एंड ऑफन अनअवॉइडेबल। सेकेंडरी इफेक्ट प्रोड्यूस एट ए यूजुअल थेरेप्यूटिक डोज। ठीक है, तो साइड इफेक्ट का क्या मतलब होता है, कि ये एक अनअवॉइडेबल सेकेंडरी इफेक्ट आता है। ठीक है, और जैसे कि कोई भी ड्रग लेने के बाद में या तो नोज़िया या लॉस ऑफ एपेटाइट होना या स्टमक पेन होना, ठीक है, तो जो थेरेप्यूटिक डोज देने के बाद में कुछ सेकेंडरी इसके इफेक्ट भी आते हैं ड्रग के, उनको साइड इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, आर अनडिज़ायरेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल सीवियर रेस्पॉन्स ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, तो ये एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, किसी मेडिकेशन का सीवियर रेस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट, उसके बाद में टॉक्सिक इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट डेवलप आफ्टर प्रोलोंगेशन इनटेक ऑफ मेडिकेशन। मतलब बहुत लंबे टाइम तक मेडिकेशन लेते रहें उसके बाद में मेडिकेशन के टॉक्सिक इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं, और वेन ए मेडिकेशन अक्यूमुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम, या ठीक है, या तो लॉन्ग टाइम लेने पे या फिर जो मेडिकेशन है उसका ब्लड में एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से भी टॉक्सिक इफेक्ट आते हैं, बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, क्यों होता है ये, या तो मतलब मेडिकेशन का डिपोजिशन क्यों होता है ब्लड में ज़्यादा, या तो इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म होगा उसका, या फिर एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसकी वजह से। तो ये क्यों होगा, इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म और या फिर इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन मेडिकेशन का क्यों होगा, क्योंकि या तो लीवर डैमेज होगा या फिर किडनी डैमेज होगी पेशेंट की, इस वजह से तो मेडिकेशन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा और एक्सक्रीशन भी उसका अच्छे से नहीं हो पाएगा। उसके बाद में एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू ए मेडिकेशन। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है, एक अनप्रिडिक्टेबल इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स आता है मेडिकेशन का। जैसे कि पैरासीटामोल रिड्यूस कर सकती है रेसेस या फिर स्वेलिंग। ठीक है, तो पैरासीटामोल की वजह से रेसेस या स्वेलिंग हो सकती है, ये उसका एलर्जिक रिएक्शन है। उसके बाद में आइसोसिंक्रेटिक रिएक्शन, आइसोसिंक्रेटिक रिएक्शन क्या होता है, ए पेशेंट ओवर रिएक्ट और अंडर रिएक्ट टू ए मेडिकेशन
और हैज़ रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मेडिकेशन का जो इफ़ेक्ट आना होता है उसके अलावा इफ़ेक्ट आना, मतलब या तो पेशेंट ओवर रिएक्ट करेगा या फिर अंडर रिएक्ट करेगा। ठीक है, जो नॉर्मल इफ़ेक्ट आएगा उससे डिफरेंट तरीके से मेडिकेशन का रिएक्शन आना। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए चाइल्ड हु रिसीव बेनेड्रिल बिकम एक्सट्रीमली एजिटेटेड और एक्साइटेड इंस्टेडेड और ऑफ ड्राउजी। ठीक है, ओके, थैंक यू।